सो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू वेबसाइट सपोर्ट दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हमने शॉपिफाई स्टोर को नेम चिप डोमेन से कनेक्ट करनी है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम जाएंगे नेम चिप के ऊपर और यहाँ पे हम डोमेन परचेज कर लेंगे अगर आपने ऑलरेडी डोमेन परचेज किया हुआ है तो डोमेन लिस्ट के अंदर आनी है देन आपने मैनेज के ऊपर क्लिक करनी है और इसके डी रिकॉर्ड को ओपन कर लेनी है ओके अब हम आएंगे अपने शॉपिफाई स्टोर के डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन कर लेंगे लॉगिन करने के बाद यहां सेटिंग्स का ऑप्शन आपको मिलेगा इसके ऊपर क्लिक करनी है देन डोमेन चूज करनी है अब यहाँ पे आपको कस्टम डोमेन ऐड करने का फीचर मिल जाता है यहाँ पे आप चाहे तो शॉपिफाई के ऊपर भी अपना डोमेन परचेज कर सकते हैं और उसे इनहाउस कनेक्ट कर सकते हैं लेकिन शॉपिफाई के ऊपर जो डोमेन आप परचेज करेंगे वो आपको बहुत ही कॉस्टली पड़ेगा इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप किसी थर्ड पार्टी से अपना डोमेन परचेज करें चाहे गोडेडी नेमचिप हॉस्टिंगर कहीं से भी डोमेन परचेज करेंगे वहां पे डोमेन आपको सस्ता मिलेगा एज कंपेयर टू शॉपिफाई तो हमने ऑलरेडी अपना डोमेन परचेज कर लिया हुआ है और इस डोमेन को हमने कनेक्ट करनी है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन इसके ऊपर क्लिक करनी है यहाँ पे अपनी डोमेन नेम फिल करनी है जिस भी डोमेन नेम से आप अपने स्टोर को कनेक्ट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ से डोमेन नेम को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे देन नेक्स्ट अब यहाँ पे आपका जो एग्जिस्टिंग डीएनएस रिकॉर्ड है वो यहाँ पे शो करेगा अब इस डीएनएस रिकॉर्ड को आपने न्यू वैल्यू से रिप्लेस करनी है यानी कि अपने डीएनएस रिकॉर्ड को अपडेट करनी है तो यहाँ पे हम आएंगे नेम चेप के अंदर एडवांस डीएनएस इसको ओपन कर लेंगे डीएनएस एन टेम्पलेट के अंदर हम चूज़ करेंगे शॉपिफाई देन हम इसे सेव करेंगे देन कॉन्टिन्यू तो जैसे कि अभी देख पा रहे होंगे हमारे डी रिकॉर्ड के अंदर यहाँ पे दो रिकॉर्ड आ चुके हैं ए रिकॉर्ड और सी नेम रिकॉर्ड अब हमने इसे अपडेट करनी होगी तो हमने यहां से इसको कॉपी करनी है और इसको हम क्या करेंगे एडिट करेंगे यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे ए रिकॉर्ड के अंदर टीएलएल यहाँ पे हमने 60 मिनट रखनी है 60 मिनट देन सेव चेंजेस नेक्स्ट हमने सी नेम रिकॉर्ड को अपडेट करनी है तो हम यहां से सी नेम रिकॉर्ड के न्यू वैल्यू को कॉपी करेंगे यहां पे पेस्ट कर देंगे को भी हम 60 मिनट रखेंगे देन सेव चेंजेस तो ये हमने डीएनएस रिकॉर्ड को यहां पे अपडेट कर लिया है फाइनली हम वापस आएंगे यहां पे, देन वेरीफाई तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे हमारा डोमेन कनेक्ट हो चुका है अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारे स्टोर के ऊपर ये विजिबल हो रहा है या नहीं तो व्यू के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे होंगे शॉपिफाई दिस डोमेन पॉइंट टू शॉपिफाई बट इज कॉन्फिगर प्रॉपरली ओके यहाँ हम वापस आएंगे बैक जाएंगे और एक डोमेन यहाँ पे अगर आपको एक्स्ट्रा दिख रहा होगा सेम वही डोमेन तो इसको आपने डिलीट कर देनी है ओके देन इसको हम एक बार रिफ़्रेश करेंगे अभी यहाँ पे एस इंस्टॉल होना पेंडिंग है तो जैसे कि देख पा रहे होंगे कि अभी हमारा डोमेन कस्टम डोमेन से कनेक्ट हो चुका है इसके ऊपर अभी एस एस एल इंस्टॉल नहीं हुआ है तो थोड़ी देर में आपका एस एस एल भी इंस्टॉल हो जाएगा जिसके बाद आपका स्टोर यहाँ पे सिक्योर शो करेगा तो इस तरीके से ईजली आप अपने शॉपिफाई स्टोर को नेम चिप डोमेन से कनेक्ट कर सकते हैं और अपने स्टोर को प्रोफेशनल बना सकते हैं सभी रजिस्ट्रार के सेटअप अलग अलग हैं तो ऐसा नहीं कि अगर आपने यहाँ पे नेम चिप का डोमेन जिस तरीके से कनेक्ट किया है उसी तरीके से आप गोड का भी कर पाएंगे या हॉस्टिंगर का भी कर पाएंगे या किसी अनदर रजिस्ट्रार का डोमेन आप कनेक्ट कर पाएंगे सबका प्रोसेस अलग अलग है तो जो भी डोमेन आपने परचेज करनी है यानी कि जिस भी रजिस्ट्रार के डोमेन परचेज करनी है उसके रिगार्डिंग आपने पहले कोई ट्यूटोरियल देख लेनी है वीडियो कैसे लगी नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ जय हिंद